नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से आज कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की थी। आज हम जो बात करने जा रही है वो बात करने जा रही है महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। देखिए, जो पॉइंट्स हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से संबंधित हमारे ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। और आज हम जैसे हमने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, जिनको हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से साइंस के अंदर जानते हैं, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों में परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं, वह अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पे बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है, इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने बोलना पड़ेगा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में, ये जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों में परिवर्तन होकर नए पदार्थ बन जाते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए, जो हमने ये लिखा है ये हमने समीकरण लिखा है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जैसे इसको लिखना होता तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन हमें जो प्राप्त होगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात का आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों में परिवर्तन होकर नए पदार्थ बन जाते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला और ये वाला, कि जो आपकी बाएं हाथ की साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वे अभिकारक होते हैं, और जो आपकी राइट हैंड साइड है यानी कि दाएं तरफ है वो आपके उत्पाद है। यानी कि अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। देखिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, जैसे कार्बन ने और ऑक्सीजन ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, उन्हें हम अभिकारक कहेंगे। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक अभिकारक होते हैं, एक उत्पाद होते हैं। और इसके बाद हम मेन पॉइंट पे पहुँचते हैं, रासायनिक समीकरण किन्हें कहते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों मतलब हमने पिछले क्लास के अंदर इसको प्रतीकों से दर्शाया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना या दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण भी दो तरह के होते हैं, एक कंकाली रासायनिक समीकरण और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। मैंने आपको पहले जो क्लास कराई थी उसमें बताया था कि मैं जब अगली क्लास कराऊंगा उसमें मैं आपको कंकाली और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो कंकाली रासायनिक समीकरण है, जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें ना तो अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होती है, इसमें जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनकी संख्या कभी भी बराबर नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये समान द्रव्यमान को प्रदर्शित नहीं करते। संतुलित रासायनिक समीकरण की यदि मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 6 की यदि मैं बात करूं, तो ये कह रहा है यदि किसी रासायनिक समीकरणों में
अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है। यदि मैं यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखूं तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैं एक और एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, H2 प्लस Cl2 हमें देगा HCl, लेकिन ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण है। हम इसको बोलेंगे जब किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ होती है तो वह है हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है, हमें देता है। तो यहाँ पे ये जो है कंकाली है। जैसे क्यों कंकाली समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे एक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो करेंगे। और यहाँ पे दो करने से क्लोरीन दो हो गया, तो इधर भी क्लोरीन दो है, तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पादों की संख्या अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे पॉइंट नंबर एक में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की थी, तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की बात करेंगे जो कि हम पॉइंट नंबर 7 से कर रहे हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसी के विपरीत एक वियोजन अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं उन्हें हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ से, एक पदार्थ आपके पास होगा और उससे दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनेंगे तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 और 10 विस्थापन और द्वि विस्थापन। देखिए विस्थापन अभिक्रिया मैंने पीछे भी आपको समझाई थी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के विलयन से क्रिया करके अपने से कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए थोड़ा आसान तरीके से समझिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा चेपी और उष्मा शोषी, देखिए वैसे तो हमने इनको आपको जो पिछली क्लास हुई थी उसमें पॉइंटों की फॉर्म में भी समझाया था, यहाँ पे हम इनको परिभाषाओं के रूप में आपको समझा रहे हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्मा चेपी अभिक्रिया कहते हैं, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उष्मा छेपी का मतलब है उष्मा उत्सर्जित बाहर निकलना, और उष्माशोषी का मतलब है उष्मा को अवशोषित कर लेना, तो यहां पे आप समझ गए होंगे। इसके बाद उपचयन जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का त्याग ना होकर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसलिए इसे हम उपचयन के नाम से और ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की हानि होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और अपचयन इसकी विपरीत होती है
कि वह रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की हानि होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 15 की बात करिए, देखिए उपचयन और अपचयन जिसका दूसरा नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक, जो दूसरा अभिकारक है वो अपचयित होता है, यानी कि जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 16, अपचायक क्या होती है। देखिए अपचायक वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर दूसरे अभिकारक का अपचयन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए अपचायक का मतलब है वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर, जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है वो हमारा क्या कहेगा, अपचायक कहेगा, और जिसके पास ऑक्सीजन की अधिकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, उपचायक कहलाएगा। वे पदार्थ जो स्वयं अपचित होकर या ऑक्सीकृत क्रिया करते हैं उसे हम अपचायक कहलाते हैं। देखिए दोबारा समझिए, अपचायक और उपचायक में अपचायक क्या होते हैं, जो जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती वे आपके अपचायक होते हैं, और जिसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन होती है वो उपचायक होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 18, प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं। भाई ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण क्रिया की दर को कम करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण नहीं होने देते, उसे प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पे हमने एक थोड़ी देर पहले वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी जिसको हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तापीय वियोजन अभिक्रियाएं क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में पूर्ण होती है, यानी कि जब रिएक्शन होने वाली है तो उसमें जब तक ऊष्मा नहीं आएगी या ताप नहीं आएगा तब तक वह अभिक्रिया अधूरी रहेगी, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और ताप की उपस्थिति में वह पूर्ण हो तो उसे हम तापीय अपघटन के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, वे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है, ये तो ऊष्मा और ताप की उपस्थिति में संपन्न हुई थी और ये आपकी विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 21, किण्वन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों या एंजाइमों की सहायता से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन, जो जैसे डेड डिके एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनते हैं, जिनमें अवक्षेप यानी कि एक ठोस पदार्थ बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर, इस क्लास के अंदर केवल ये दो पॉइंट रहते हैं, विकृत गंधिता क्या कहलाती है, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ उनके ऑक्सीकरण से उनके अंदर स्वाद में भी और उनकी गंध में भी परिवर्तन हो जाता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। और संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ जैसे अस्त अथवा नमी या ऑक्सीजन की, देखिए जब कोई धातु अपने संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ जैसे नमी या ऑक्सीजन या कोई भी अमल या कोई भी रासायनिक पदार्थ, उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसकी चमक जो होता है धूमिल यानी चमक धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहती है। देखिए इसको हम एक आसान तरीके से भी आपको समझा सकते हैं, जब कोई धातु
वायु की संपर्क में या नमी के संपर्क में या किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में, रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे लोहे के अंदर जंग लगना, ये संक्षारण ही कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस पाठ से संबंधित सभी परिभाषाएं कराई। आपको बड़े ध्यान से इन परिभाषाओं को पढ़ना है, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।